आपको बताया कि मैक्सिमम करंट के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में इस तरह का एक रिलेशन होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि मान लीजिए आपके पास 12 सेल हैं, उनको आप किस तरह से कंबाइंड करेंगे। एक क्वेश्चन आ जाता है कि 12 सेल हैं, आप उन्हें किस तरह से कंबाइंड करेंगे कि हमें मैक्सिमम करंट मिले। हमें क्या मिले? हमें मैक्सिमम करंट मिले। तो अगर आपके पास 12 सेल हैं और आपको मैक्सिमम करंट गेन करनी, तो आप कह दिया जाए कि 12 सेल हैं, ठीक है, आपके पास सेल नंबर ऑफ सेल कितने हैं, नंबर ऑफ सेल हैं 12 सेल हैं, और कह दिया जाए कि इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0.5 ओम है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1 ओम है। इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो इसे आप मैक्सिमम करंट के लिए, ठीक है, और 1 वोल्ट का सेल है, तो अगर मैक्सिमम करंट हमें गेन करनी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे। तो आपको सबसे पहले बताया कि नंबर ऑफ सेल यानी m रो इनटू कॉलम, तो रो इनटू कॉलम यानी बराबर 12। आप जैसे भी आप कम एडजस्ट करना चाहते हैं, 3 × 4, 6 × 2, जैसे भी आप सेल लगाना चाहते, लेकिन आएंगे कितने, आएंगे 12। तो रो गुड़े कॉलम बराबर 12, यानी एक रो में आप कितने लगाते हैं, एक रो में हमने मान लिया m लगाते हैं, ठीक है, एक रो में आप रो में कितने लगा रहे हैं, n लगा रहे हैं, और कॉलम कितने हैं आपके, n है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। हमने रो में कितने माने, रो में n माने, एक रो में n माने, और कितने रो के कॉलम हैं आपने, कॉलम बना रखे हैं, वो आपने m बना रखे हैं, n रो n जो है आपने, एक रो में आपने n लगाए हैं, एक रो में n सेल हैं, ठीक है, और ऐसे ऐसे कितने रोज़ हैं आपकी, m रोज़ हैं, तो m इंटू n बराबर हो जाएगा 12। और मैक्सिमम करंट के लिए आपको क्या होना चाहिए, फॉर मैक्सिमम करंट के लिए r बराबर, आपने क्या रिलेशन लिखा है, r बराबर लिखा है आपने n अपॉन m इंटू r। तो r बराबर n कितना है, n की जगह n लिखेंगे, और m की जगह m लिखेंगे, और r की जगह कितना है, r की जगह आपने 1 कर दिया, और इसकी जगह 0.5 कर दिया, 0.5 कर दिया, तो ये आया, दशमलव लगा दिया इधर, और ये 5 × 10 हो गया, तो कितना हो गया, 2m बराबर n, ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे n की, तो कितना आ जाएगा, 2m इंटू m बराबर 12, 6 आ जाएगा, एम स्क्वायर बराबर 6, तो m बराबर √6। अब √6 की वैल्यू अगर आप अप्रॉक्स निकाल दो, 2 point something आ जाती है, 2 point something, यानी इसको कितना लेंगे, लगभग 2, क्योंकि आप सेल को तोड़ के तो नहीं लगाएंगे, तो लगभग कितने सेल आपको, 2 रो बनानी है, ठीक है, अप्रॉक्स आपको कितनी रो बनानी है, 2 रो बनानी है। अब 2 रो बनानी है, तो अब आपके पास 12 सेल हैं, तो कितनी रो बनाएंगे, एक रो में कितने लगाएंगे, एक रो में लगाएंगे 6, क्योंकि m बराबर 2 निकल आया है, तो n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 6। तो आप क्या करेंगे, एक में 6 सेल लगाएंगे, एक में 6 सेल लगा देंगे, 2 रो बना देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मैक्सिमम करंट मिल जाएगी। हमें मैक्सिमम करंट के लिए क्या करना होगा, 6 सेल के 2 रो बना करके आपको एडजस्ट करना होगा। इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है इसका, किरचॉफ्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रूल पूछे जाते हैं किरचॉफ के। अगर किरचॉफ लॉ की बात करें, तो किरचॉफ लॉ ने जितने भी आपके सर्किट थे, बहुत टिपिकल सर्किट थे, टिपिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए बहुत इजी मेथड बता दिया, और 2 लॉ दिए। एक लॉ जिसको हम लोग जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, पहले लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन लॉ या संधि का नियम, क्या बोल देते हैं, संधि का नियम, ठीक है, इसे संधि का नियम कह भी कह देते हैं। संधि का मतलब होता है जोड़। मान लीजिए कई आपके यहाँ पर आपने देख रहा कि I1 करंट आ रही थी, यहाँ से I2 करंट आ रही है, और फिर आपने इसको 2 या 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया, 3 पार्ट में I3, I4, I5, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये जंक्शन पॉइंट कहलाएगा,
ठीक है, इस पॉइंट पर दो तरीके से दो वायर से करंट आ रही और तीन वायर से करंट जा रही। तो इन्होंने क्या बताया, किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात इन्होंने बताया किसी भी जंक्शन पॉइंट पर जो करंट होती है उसका अल्जेब्रिकल सम जीरो होता है। उसका अल्जेब्रिकल सम कितना हो जाएगा, अल्जेब्रिकल सम जीरो हो जाएगा। दैट्स मीन कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, जितनी करंट आ रही है इज इक्वल टू जो आउटसाइड इनसाइड करंट इज इक्वल टू आउटसाइड करंट, यानी आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। यानी इसका अल्जेब्रिकल सम निकाले तो कैसे, I1 प्लस I2 तो आ रही है प्लस की हो जाएगी, और ये करंट जा रही तो काहे लिखोगे आप, माइनस का लिखोगे, यानी I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू जीरो। तो आप कैसे लिख दोगे, I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5। तो ये हो गया, ये किसका नियम हो गया, ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ हो गया। किरचॉफ का ये कौन सा है, किरचॉफ का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ, जिसे हम लोग जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, संधि का नियम कहते हैं। इन्होंने बताया कि किसी भी जंक्शन पर जो करंट होता है उसका अल्जेब्रिकल सम, उसका अल्जेब्रिकल सम कितना होता है, अल्जेब्रिकल सम जीरो होता है। दैट्स मीन आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। एक और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये किरचॉफ के लॉ, और इसमें एक नंबर में और कभी MCQ में आ जाता है, या कभी जो है आप डायरेक्ट वन नंबर में पूछ देते हैं कि पहला लॉ इसका किस कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, पहला नियम इसका किस जो है संरक्षण पर आधारित है। तो जो पहला लॉ है इसका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, पहला लॉ जो है इनका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, पहला लॉ जो है वो चार्ज को कंजर्व करता है, यानी पहला लॉ जो है आवेश संरक्षण पर आधारित है। इनका पहला नियम किस पर आधारित है, पहला नियम इसका आवेश संरक्षण पर आधारित है। ये पूछ लिया जाता है कभी जंक्शन लॉ के नाम से, पूछ लिया जाता है कभी फर्स्ट नियम से, पूछ लिया जाता है इनका पहला नियम क्या है, दूसरा नियम इनका क्या है। किसी आपके सेकंड लॉ को भी देखते हैं, किरचॉफ को अगर हम सेकंड लॉ देखें, ये मान लीजिए कि आपने बैटरी लगा दी यहाँ पर, इस तरह से कई बैटरी लगा दिया, हो सकता है एक ही बैटरी लगी हो, एक ही रेजिस्टेंस लगा हुआ हो, ये करंट जा रही है, आपने बीच में और लगा दिए, ठीक है, तो ये बैटरी ए लगी हुई है तो यहाँ से करंट जा रही है, तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी जंक्शन लॉ के थ्रू, ये आई हो जाएगा, यहाँ पर I1 I2 हो जाएगा, ये आपका रेजिस्टेंस R1 R2 इस तरह से लगा रखे हैं। तो दूसरे लॉ में इन्होंने बताया क्या, इस तरह से मान लीजिए इन्होंने कहा ये जो नियम था इनका ये क्लोज्ड सर्किट पर था, इसे हम लोग लूप लॉ भी बोलते हैं। इसे कौन सा लॉ बोलते हैं, इसे लूप लॉ भी बोलते हैं या वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, इसे कौन सा लॉ बोलते हैं, लूप लॉ यानी पाश का नियम भी बोलते हैं, मेस लॉ भी बोलते हैं, वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, और किरचॉफ का सेकंड लॉ भी कहते हैं। किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या था, इन्होंने बताया कि किसी भी क्लोज्ड सर्किट के लिए, ये किसके लिए था, क्लोज्ड सर्किट, ओपन सर्किट के लिए नहीं था, क्लोज्ड सर्किट के लिए, किसी भी क्लोज सर्किट के लिए करंट, ठीक है, और उसके संगत यानी उसके साथ का जो रेजिस्टेंस है आर, ठीक है, करंट और उसके रिस्पेक्ट का रेजिस्टेंस, रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस के मल्टीपल का सम, यानी करंट और उसके रिस्पेक्ट में जो जैसे इसके रिस्पेक्ट में आप जिसमें करंट आ रही, तो इसका करंट, इसमें बहने वाली करंट और इसका रेजिस्टेंस प्लस इसका करंट और इसका रेजिस्टेंस जितने भी हैं आप टोटल कर लीजिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि उसके संगत जो रेजिस्टेंस और करंट का मल्टीपल का सम बैटरी के टोटल EMF के बराबर होता है, यानी समेशन IR बराबर समेशन E। इन्होंने बताया किसी बंद पाश में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का योग उसके बैटरी के परिपथ के बैटरी के कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, यानी समेशन IR बराबर समेशन E, ठीक है। ये समेशन IR बराबर समेशन E पहला लॉ किसको व्यक्त करता था, पहला लॉ चार्ज कंजर्वेशन यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करता था, यानी आवेश संरक्षण को प्रदर्शित करता था, जबकि इसका जो दूसरा लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन को यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा संरक्षण,
किसको व्यक्त करता है? ऊर्जा संरक्षण को। पहला वाला नियम किसको व्यक्त करता था? बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एमसीक्यू में आ जाता है कि पहला वाला नियम किसको प्रदर्शित करता है, दूसरा वाला नियम किसको प्रदर्शित करता है। तो पहला वाला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, जबकि दूसरा वाला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। पहले वाले लॉ को जंक्शन लॉ कहते हैं, दूसरे वाले को मेस लॉ भी कहते हैं। तो इनके दो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ हैं किरचॉफ के, दोनों पूछे जाते हैं कि पहले लॉ को और दूसरे लॉ को किस तरह से डिफाइन करते हैं। अब इसके इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल किस तरह से आ जाते हैं उस पर हम आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके बता देते हैं। सिंपल सर्किट ले लेते हैं इस तरह से। मान लेते हैं ये आपकी 5 वोल्ट 4 वोल्ट की बैटरी है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम है। ये आपकी एक 2 वोल्ट की बैटरी है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आप 1 ओम मान लेते हैं, और ये आप मान लेते हैं कि 6 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ। एक मैंने सिंपल सर्किट ऐसे ही ले लिया, इस तरह से लगा दिया और कह दिया कि इसमें I1, I2, I3। अब I1, I2, I3 कहाँ पर है? इसमें से करंट I1 मान रहे हैं, ठीक है, इसमें से करंट I1 जा रही, इसमें से करंट I2, ये जंक्शन पॉइंट हो गया, प्लस से करंट निकलती है, और इसमें करंट कितनी हो गई? इसमें I3। अब कह दिया कि I1, I2, I3 की गणना करिए, ठीक है, कैलकुलेट I1, I2 एंड I3, कैलकुलेट करना I1, I2, I3। तो सबसे पहले अगर जंक्शन लॉ लगा दें तो जंक्शन लॉ से हमें पता चल रहा है कि I1 प्लस I2 बराबर I3, I1 प्लस I2 बराबर I3, यानी यहाँ पर जब जाएगा तो ये I1 प्लस I2 बराबर I3, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो I1 प्लस I2 बराबर I3, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें देखिए दो लॉ बन जाते, दो मेस बन जाते हैं। एक मेस आपका इस तरह से बन जाता है, ये वाला और दूसरा ये वाला, दो सर्किट बन जाते हैं आपके, एक ये और दूसरा ये, इस तरह से एक सर्किट बन रहा है, ठीक है। एक सर्किट आपका किस तरह से बन रहा है? ये बन रहा है, आप देख रहे हैं, ये सर्किट कंप्लीट हो गया। और दूसरे सर्किट की बात करें, अगर दूसरा सर्किट हमारा कैसे बन रहा है, तो दूसरे सर्किट की अगर हम बात करें तो दूसरा सर्किट इस तरह से बन रहा है, दो सर्किट बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर मेस वन की बात करें, ठीक है, तो मेस वन में कैसे आप यहां से चले, I3 पहुंच गया, आपको क्या मिला? 6 वाला मिला, सेकंड लॉ लगा रहे हैं इसमें 6 वाला, इसमें करंट हमारी कितनी है? I3 है। चलते जा रहे हैं यहाँ से, हमें 6 वाला मिला, यहाँ आए, यहाँ पहुँचे, यहाँ पर 0.5 ओम वाला मिल गया। अब जब यहाँ पर आएंगे तो करंट डिवाइड हो जाएगी, इसमें कितनी आ जाएगी? I1 आ जाएगी, और इसमें कितनी चली जाएगी? I2 चली जाएगी, ठीक है। तो हमें 5.5 I1 बराबर कितना मिल गया हमें? हमें मिल गया जाके 4 वोल्ट। किसके बराबर है? 4 वोल्ट। मेश टू की बात करें तो मेश टू से मैसेज चल रहे थे, हमें कितना मिल गया? हमें 6 I3 मिल गया, प्लस 1 ओम मिल गया, 1 × I2, यानी हम 1 लिखने की जरूरत तो है नहीं, यानी I2 बराबर किसके? 2 के। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और हम क्या करेंगे, वैल्यू चाहे तो आप I3 से यहाँ पर I1 प्लस I2 के रूप में बना लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, या हम क्या करेंगे I1 I2, या हम इसको ऐसे ही सब्सट्रैक्ट करके I1 I2 में एक रिलेशन बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। हम क्या करते हैं, I1 I2 की वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है, I1 I2 की वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 6 I1 प्लस I2 प्लस 0.5 I1 बराबर 4। तो आपका क्या बन जाएगा? 6.5 I1 प्लस 6 I2 बराबर 4। एक इक्वेशन ये बन गई, दूसरे वाले में रख देंगे 6 I1 प्लस I2 प्लस I2 बराबर 2। तो दूसरे वाले में कितनी करंट आ जाएगी? 6 I1 प्लस 6 और एक 1 7, 7 I2 बराबर 2। एक इक्वेशन ये बन गई आपकी, एक इक्वेशन ये बन गई I1 I2 के रूप में। ये 2 वेरिएबल्स इक्वेशन है, इनको आपस में सॉल्व कर देंगे, I1 I2 की वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरह से किरचॉफ के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।